जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग एसटी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ कक्षा नौवीं परीक्षा 2021-22। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपका पेपर रहेगा दोस्तों साइंस से विज्ञान का। ठीक है, 30 मार्च 2022 को आपका पेपर होने वाला दोस्तों। किसका दोस्तों? साइंस का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ सेट ए, ठीक है, और यहाँ पर सेट बी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेट सी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेट डी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेट ई, और यहाँ पर सेट एफ। ठीक है दोस्तों, सभी सेटों का सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को पढ़कर, ठीक है, और इसमें बताए गए सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। ठीक है दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का मैं हल लेकर आ गया दोस्तों। जल्दी से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपका पेपर आएगा कितने नंबर का दोस्तों? 80 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का दोस्तों? 80 नंबर का पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कितने आएंगे आपकी एग्जाम में? 22 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, ये सभी सेटों में आया हुआ है। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है इसमें, प्रश्न में क्या पूछा है? ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसका उत्तर है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और इन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? ठोसों की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण, जो पदार्थ है दोस्तों उसके कण कैसे रहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र का मतलब दोस्तों खुले रहते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों स्वतंत्र का मतलब होता है दोस्तों घूमते रहते हैं। ठीक है, और उन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सभी सेटों में आया हुआ है। ठीक है, जिसके पास जिस सेट में ये क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला या पेज बदलते हैं, तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, जो आपका दोस्तों 30 मार्च 2022 को पेपर होने वाला दोस्तों साइंस विज्ञान का। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग सेट प्रोवाइड करवा दिया है दोस्तों, वहाँ पर देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन किस सेट में आया है। ठीक है, और इनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर याद कर लीजिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, संगलनन की प्रशुष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, संगलन की प्रशुष्ट गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलनन की प्रशुष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, जिस सेट में आया है वो दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों इसमें? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इसमें, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? फिर इसके लास्ट में क्या पूछा है दोस्तों? एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
तो कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपने सभी ने कपूर देखा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उसको दोस्तों खुली मतलब खुली हवा में रखते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाए दोस्तों, तो दोस्तों वो कैसे हो जाए दोस्तों, वो क्या कपूर का टोस में से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा उदाहरण हो गया दोस्तों, ये हो गया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल दोस्तों, इसको कैसे याद करना है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से दिमाग पर लोड नहीं लेना है। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में याद करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, निक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे सेटों में आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया दोस्तों उन सेटों में आया है, जिसके पास ये क्वेश्चन आया दोस्तों वो सभी याद कर लीजिए। निक्षेपण एवं उष्मागति की प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है, इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन दोनों एक ही प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। निक्षेपण एक उष्मागति की प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है, इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इस छोटे क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुष्क वर्ब किसे कहते हैं और क्यों। ठीक है दोस्तों, शुष्क वर्ब किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका कारण के साथ हमें क्या देना है दोस्तों, इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब कहते हैं। ठीक है, यदि ऐसे शुष्क वर्ब किसे कहते हैं, यदि ऐसा पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है। बट इसमें आगे क्या पूछा दोस्तों, और क्यों दोस्तों, इसका कारण भी देना है। ठीक है, क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगला कारण क्या है दोस्तों, एक ATPM क्या है दोस्तों, 1 ATM। ठीक है, ATM एटॉमिक कुछ इसका नाम होगा। ठीक है दोस्तों, यानी वातावरण द्वारा लगाया गया दाब से कम दाब होने पर कार्बन ऑक्साइड ठोस रूप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है इसमें, कम दाब होने पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप ले लेते हैं। ठीक है, शुष्क वर्ब बन जाती है दोबारा 1 ATM में रखने पर वह यह वापस गैस रूप में बदलने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुष्क वर्ब किसे कहते हैं, तो शुष्क वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, अगला क्या है दोस्तों, और क्यों कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते दोस्तों, यानी वातावरण द्वारा लगाया गया दाब से कम दाब होने पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप लेते हुए शुष्क वर्ब बन जाती है दोबारा 1 ATM में रखने पर यह वापस गैस रूप में बदलने लगती है। ठीक है, इसका आंसर होगा, इसको याद करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आसवन विधि क्या है। ठीक है दोस्तों, जो आसवन विधि है वो क्या है, ठीक है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या है दोस्तों, आसवन किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियताओं, ठीक है दोस्तों, सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग अलग करने की विधि। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, ना कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, या फिर इसका अगला क्या है, अगला देख लीजिए दोस्तों, पानी का आसवन करने से उसकी अशुद्धियां जैसे नमक निकल जाती है और अधिक शुद्ध जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई दोस्तों, ये हो गई आसवन विधि हो गई। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस सारे सेट की PDF आपको नीचे प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, नीचे कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है। ठीक है, जो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है, तो ये कौन सी विधि है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देना है, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है। यह लेख नीचे का अनुवाद किसी यांत्रिक विधि से
किया गया है जिसके ठीक करने की आवश्यकता है। मिश्रण के विभिन्न घटक अलग अलग गति में यात्रा करते हैं। उनके अलग अलग होने के कारण पृथक्करण मोबाइल और स्थिर चरणों के बीच अंतर पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, एक कौन सी विधि हो गई, क्रोमेटोग्राफी विधि हो गई। ठीक है, और इसका यहाँ पर आंसर दिया है। ठीक है, इस आंसर को पढ़ लीजिए दोस्तों, इस उत्तर को भी पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों ध्यानपूर्वक। ठीक है, वो आंसर याद हो जाएगा। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके पास ये सेट में क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन की एक विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है। किस विधि से दोस्तों, प्रभाजी आसवन विधि से। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को और जो ये आंसर है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा भी याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए, क्रिस्टलीकरण विधि से समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमको दो अनुप्रयोग लिखना है दोस्तों। एक अनुप्रयोग क्या होगा दोस्तों, हमारा एक अनुप्रयोग होगा दोस्तों, हमारा एक अनुप्रयोग देख लीजिए, क्रिस्टलीकरण से जो क्रिस्टलीकरण विधि है दोस्तों, से समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होगा दोस्तों, ये हमारा एक अनुप्रयोग होगा। ठीक है, अगला अनुप्रयोग देख लीजिए, और उसमें से अशुद्धियाँ दूर की जाती है। ठीक है, और अगला अनुप्रयोग क्या है दोस्तों, हमारा क्रिस्टलीकरण विधि वह विधि होती है जिसके द्वारा विलयन से ठोस पदार्थ को, ठीक है दोस्तों, विलयन से ठोस पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में पृथक कर दिया जाता है या कर लिया जाता है। ठीक है, पृथक का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग करना। ठीक है, तो एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, दो अनुप्रयोग लिखना है दोस्तों, एक अनुप्रयोग तो आपका ये हो गया। ठीक है, वो एक अनुप्रयोग कहाँ होगा दोस्तों, आपका ये होगा। ठीक है, दो अनुप्रयोग लिखने के लिए बोलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जिसके पास आया दोस्तों, वो सभी इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखे। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी सेटों में आया है लगभग। ठीक है, तो जिसके पास भी ये क्वेश्चन आया दोस्तों, वो सभी देख लीजिए। धातु व अधातु में हमें क्या लिखना है दोस्तों, अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे दोस्तों हम धातु लिखेंगे। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे दोस्तों हम अधातु लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, क्रमांक लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर, और एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर धातु और अधातु में क्या, दो अंतर लिखने के लिए बोला है। ठीक है, और यहाँ पर कितने अंतर दोस्तों, यहाँ पर चार अंतर है। तो आपको क्या करना दोस्तों, चार ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर चार अंतर है। ठीक है, धातु और अधातु में, तो आपको कितना अंतर लिखना दोस्तों, आपके एग्जाम में दो अंतर ही लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो इसको पढ़ लीजिए, इसका आंसर क्या दिया दोस्तों, धातुएं सारे ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जो धातुएं होती है दोस्तों, वो कैसा ऑक्साइड बनाती है, सारी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जबकि अधातुएं अम्ली तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ क्या लिखना हमको, धातु लिखना है, और एक तरफ क्या लिखना दोस्तों, आपको हमको लिखना है दोस्तों अधातु लिखना है। तो धातु में क्या आ जाएगा दोस्तों, धातुएं सारे ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और जो अधातु है दोस्तों, वो क्या बनाती है दोस्तों, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एक तरफ धातु क्या बनाती है दोस्तों, सारे ऑक्साइड बनाती है, और एक तरफ अधातु कैसे ऑक्साइड बनाती है दोस्तों, उदासीन ऑक्साइड बनाती है। एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिखना है आपके एग्जाम में। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, धातुएं सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जो धातु होती है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, लोहा अग्रह वगैरह जो भी है दोस्तों, है ना, वो धातु होती है। वो अधातु मतलब दोस्तों, जिनमें चालकता का गुण नहीं होता है। ठीक है, मतलब जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, वो अधातु होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे धातु में क्या पूछा है, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, उसके बाद अधातु की बात कर लेते हैं। ठीक है, अधातु में क्या आ जाएगा दोस्तों,
आधातु में विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब दोस्तों जिसमें धारा प्रवाहित ना की जा सके, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना, दो पॉइंट लिखना है, ठीक है। मैंने आपको दो पॉइंट बता दिया, तो दो पॉइंट कौन सा है दोस्तों, धातुएं सारी ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, और जो अधातु होती है दोस्तों वो उदासीन ऑक्साइड बनाती है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, धातुएं सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है दोस्तों जिसमें धातुएं मतलब दोस्तों जिसमें धारा प्रवाहित की जा सके, ठीक है। वो अधातु की बात कर लेते दोस्तों, हम अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। बस ये दो पॉइंट लिखना है, ठीक है, आपके एग्जाम में, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए, ठीक है। इनमें कितने गुण लिखना है दोस्तों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में दो गुण लिखना है, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनके आंसर देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन के गुण, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के गुण, तो जिसमें क्या ऐसे भी कैसे लिखना है दोस्तों, गुण लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ लिख देंगे दोस्तों हम भौतिक गुण लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन लिख देंगे, भौतिक परिवर्तन लिख देंगे एक तरफ दोस्तों, एक तरफ लिख देंगे हम रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इनके आंसर देख लीजिए, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था रंग गंध आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। किस में होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में, ठीक है। अगला देख लीजिए दोस्तों, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक प्राप्त पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा है दोस्तों, जैसे पानी को फ्रिज में रखा है, ठीक है, तो उसका क्या बन गया दोस्तों, बर्फ बन गया। तो बर्फ को वापस क्या परिवर्तन, किस में परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, हम पानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा दोस्तों, ये होगा भौतिक परिवर्तन का, ठीक है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और एक और पॉइंट देख लीजिए दोस्तों इसका, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, ये परिवर्तन अस्थायी का मतलब होता है दोस्तों, कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है, स्थायी नहीं होता है, ठीक है, ये अस्थायी होता है। जैसे बर्फ को आपने धूप में रखा है, ठीक है, तो वह कुछ समय के लिए तो बर्फ रहेगा, उसके बाद क्या दोस्तों, वो पानी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ दोस्तों आपको, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के बारे में देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन के बारे में देख लीजिए दोस्तों इसके गुण, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे आपके पास लकड़ी है, ठीक है, आपने लकड़ी का बुरादा बना दिया, ठीक है, आपने लकड़ी का क्या बना दोस्तों, बुरादा बना दिया, तो वापस आप उस लकड़ी को, सॉरी, उस बुरादे से लकड़ी बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा होगा दोस्तों, ये स्थायी परिवर्तन होगा है, कैसा परिवर्तन दोस्तों, स्थायी परिवर्तन, ठीक है। एक गुण ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, तो इनको पढ़ ली दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है, कैसा होता दोस्तों, स्थायी होता है, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे लकड़ी है दोस्तों, आपने लकड़ी का क्या बनाया दोस्तों, बुरादा बनाया, किसका, नए पदार्थ का कौन सा निर्माण हुआ दोस्तों, बुरादे का हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम लिखिए, ठीक है। उपधातु क्या होती है, सबसे पहले क्या पूछा है इसमें दोस्तों, उपधातु क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा है इसमें दोस्तों, उपधातु का नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, दोस्तों जिस सेट में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो सभी इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को और इस उत्तर को याद कर लीजिए, ठीक है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, वे कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब उपधातु मतलब दोस्तों जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं उपधातु कहते हैं, ठीक है। और इसका एक उदाहरण देख लीजिए, इसका एक उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, ठीक है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है, ये छः प्राय उपधातु कहे जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना दोस्तों, इन छेनों में से एक याद करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक का नाम पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना दोस्तों, एक उपधातु का नाम याद करना है, ठीक है, और एक परिभाषा याद कर लीजिए दोस्तों। परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों,
ऐसे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं उपधातु कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। अगला देख लीजिए हमारा क्वेश्चन, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बताना है हमको, तत्व एवं यौगिक में अंतर बताना है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है, जबकि यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर होता है। तत्व भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तरल पदार्थों में विघटित नहीं होते, जबकि यौगिक को भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा तरल पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, ये सिंपल भाषा में दोस्तों, ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर सिंपल भाषा में, ठीक है, आपको इसका आंसर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसका आंसर को भी लिख लीजिए और लिख लिख के एक बार देख लीजिए, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सभी सेटों में आया हुआ है, जिस सेट में आया दोस्तों वो सभी याद कर लीजिए। मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखना है, कितने दोस्तों, दो, क्योंकि ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम में दो नंबर का आएगा है, ठीक है, और हमें कितने शब्दों में देना है इनका आंसर दोस्तों, 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर पाँच से लेकर, ठीक है, पाँच से लेकर कितने तक दोस्तों, जो आपके दोस्तों 14 या 15 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँच से लेकर 14 तक, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में दो दो नंबर के आने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए।